हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में। दोस्तों हमने आपसे एक बार प्रॉमिस किया था कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर पे एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ये इसमें कनेक्शन को उल्टा लगाने से आपका क्या प्रॉब्लम हो सकता। तो हमने बोला था मोटर उल्टा चलेगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन कनेक्शन को A1 को S1 में लगा देंगे तो क्या होगा। तो उसमें भी हमने बोला था आपको कि कुछ नहीं होगा, तो वो कुछ नहीं होगा या फिर और भी कोई जानकारी है, मोटर घूमता कैसे है, इसमें फील्ड में दिए सप्लाई और आर्मेचर में अलग अलग दिए तो कैसे घूम जाएगा, इन सारी चीज़ों पे आपको हम बताएंगे कि कैसे ये काम करता है। लेकिन दोस्तों आज शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे और आपको कोई तकलीफ ना हो इस तरह की वीडियो खोजने में यूट्यूब पर। यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी है, उस पर आपको खोजना पड़ता है। तो ये आप बेल आइकन को दबा लीजिए तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लें। दोस्तों सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फोर्कलिफ्टों में डीसी मोटर में तीन तरह की मोटर यूज होती है। एक होती है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, दूसरी होती है सीरीज मोटर, तीसरी होती है संट मोटर। अब आपको ये बता दो कि सीरीज मोटर क्यों यूज होता है, संट मोटर क्यों यूज होता है, सेपरेटली एक्साइटेड का तो ये पूरा वीडियो ही है। तो सीरीज मोटर में क्या होता है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। अब टॉर्क का मतलब आप नहीं समझेंगे, जो मोटर ताकत लगाता है ना, अपनी ताकत से जो घूमता है उस ताकत को टॉर्क बोला जाता है। जैसे आप लोग अपनी ताकत लगाते हैं उसको न्यूटन बोलते हैं, जितना आप ताकत लगाएंगे जितने के जी का उसको उतना न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। डीपली में बाद में सब बताएंगे, ये फिजिक्स का काम है। तो वैसे जो मोटर घूमने की जो ताकत लगाता है, रोटेशन में घूमने की ताकत लगाता है, उसको बोलते हैं टॉर्क। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क मतलब शुरुआत में बहुत ज़्यादा ताकत लगाएगा, शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा ताकत लगाएगा। आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने सीलिंग फैन देखा है, सीलिंग फैन में क्या है, जब स्टार्ट हुआ ना तो उसको पकड़ लीजिएगा तो नहीं घूम पाएगा, लेकिन घूमता रहे तो पकड़ेगा तो बहुत ताकत लगेगा। तो क्या जो सीलिंग फैन है, जो इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है, इसलिए उसमें अलग से एक स्टार्टिंग वाइंडिंग दी जाती है ताकि उसको घुमा सके, स्टार्ट में घुमा सके। जब स्पीड पकड़ लेगा तो स्टार्टिंग वाइंडिंग भी रनिंग वाइंडिंग के जैसा काम करेगा। लेकिन ये सीरीज मोटरों में क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में ही बहुत ताकत रहता है, इसमें स्टार्टिंग से ही फुल ताकत लगाएगा। लेकिन इसका एक और प्रॉब्लम क्या है, इसको लगातार बहुत देर तक आप ज़्यादा लोड देके नहीं चला सकते, नहीं तो ये जल जाएगा, क्योंकि ताकत बहुत लगा रहा है, करंट बहुत ज़्यादा खाएगा तो इसकी वायर और बाकी चीज़ें गर्म होगी तो वो जल जाएगा। तो इसको कुछ देर के लिए फुल लोड पे चला सकते हैं, उसके बाद आपको लोड कम करना पड़ेगा। डीसी सीरीज मोटरों के बारे में, सीरीज मोटर का एक सबसे बढ़िया अच्छा एग्जाम्पल है आपकी जो भी डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ जो होती है, चाहे बाइक हो या फोर व्हीलर ट्रक हो, कोई भी हो, उसमें जो स्टार्टर लगा रहता है, सेल्फ स्टार्टर जो लगा रहता है, वो डीसी सीरीज मोटर रहता है, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में ही फुल टॉर्क दिया जाता है और उसके बाद फिर उसको की वो ऑफ किया जाता है कि आपका जो स्टार्टर है ना, स्टार्टर के लिए कि पावर ऑफ किया जाता है। आपको बोला जाता है कि वह स्टार्टर में लगातार 3 से 4 सेकंड तक आप पावर देकर रख सकते, नहीं तो फिर आपको चाबी बंद करके करीब 30 सेकंड 40 सेकंड रुक के फिर पावर देना, लगातार देंगे पावर आप उसको तो वो जल जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि आपको फुल लोड पे डीसी सीरीज मोटरों में आपको लगातार पावर नहीं देना है, या तो लोड कम कर दिए तो थोड़ा लगातार पावर देना है, या तो पावर बंद करिए, दोनों में से एक काम। ये हो गया डीसी सीरीज मोटरों का काम। अब ये बोलिए हमारी गाड़ियों में क्यों होता है, हमारी गाड़ियों में इसलिए होता है जब हाइड्रोलिक मोटर चलाते हैं तो यदि उसको स्टार्टिंग टॉर्क हाई नहीं होगा तो जो पंप रहता है उसमें जो शुरुआत से ही पावर उसको बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब शुरुआत में एक चक्कर लगाएं तो एक चक्कर का ऑयल उठा लेगा, दो चक्कर लगाएं दो चक्कर का ऑयल उठा लेगा। और पंप का फंक्शन क्या है, हमारी हाइड्रोलिक पंप का फंक्शन क्या है कि वो ऑयल आगे तो जाएगा लेकिन पीछे आने नहीं देगा, लेकिन जितना भी वो ऑयल घुमा के आगे ले जा रहा है पीछे आने नहीं देगा। तो मोटर को शुरुआत से ही उसको ताकत लगानी पड़ती है, इसलिए उसमें डीसी सीरीज मोटर लगता है हाइड्रोलिक मोटर में, समझ गए। अब हम लोग सीधे अपनी मोटर पे आते हैं जो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ये मोटर में क्या होता है, पहले आपको सीरीज मोटर की वाइंडिंग देखिए, कोई भी मोटर हो कैसी भी मोटर हो, यदि उसमें परमानेंट मैग्नेट नहीं लगा है तो कोई मोटर में देखते हैं ना परमानेंट मैग्नेट होता है, आप रोटर खींचिएगा ना खोल के तो अपने आप अंदर खींच लेगा, रोटर खींचेगा तो अपने आप अंदर खींच लेगा, उसमें परमानेंट मैग्नेट लगा रहता है तो उसमें एक ही कॉइल रहेगा। लेकिन इन सभी मोटरों में जो हम लोग अभी बात करें, डीसी सीरीज मोटर, डीसी संट मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, इन सब में दो कॉइल रहते हैं, दो कॉइल का कनेक्शन उस हिसाब से रहता है ताकि नाम अलग अलग, बाकी कॉइल सेम रहता है, खाली नाम अलग है उसके कनेक्शन के हिसाब से। तो देखिएगा, मान लेते हैं
आपने हमारी वीडियो पहले देखी होगी तो आप देखे होंगे कि हम ये क्वाइल का डायग्राम बनाते हैं, ऐसे करके जो सिंबल है इसको क्वाइल का सिंबल बनाते हैं, और ये वाले सिंबल को बोलते हैं आर्मेचर, जो वर्टिकल है उसको आर्मेचर, जो हॉरिजॉन्टल है उसको फील्ड बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हॉरिजॉन्टल बना रहे तो ये वाला फील्ड का वाइंडिंग मान लेंगे, ये फील्ड का वाइंडिंग है, ठीक है। अब क्या है, मान लीजिए ये S1 है, ये S2 है, इंटरनली बताते हैं, इसमें इंटरनली हम लिख देते हैं A1 है, ये A2 है। अब सीरीज मोटर का मतलब समझते हैं, सीरीज का मतलब समझते हैं, सीरीज का मतलब मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस ऐसे करते हैं तो सीरीज बोलते हैं, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं तो सीरीज बोलते हैं, इसका इसका एंड से इसका स्टार्ट कनेक्ट होगा, इसका एंड से इसका स्टार्ट कनेक्ट होगा। आप बोलते हैं ये जो चीज है इधर से इधर कनेक्ट कर दिए, एक एक क्वाइल का दूसरे क्वाइल से कनेक्ट कर दिए तो ये सीरीज हो गया, बाकी जो दो वायर बचेगा एक ये एक ये, ये दोनों का निकाल दिया, एक हुआ प्लस एक हुआ माइनस, ये हुआ डीसी सीरीज मोटर। आपको हाइड्रोलिक मोटर में ये दो पॉइंट रहता होगा प्लस माइनस, समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते सीधा अपनी मोटर पे, बोला कि सभी मोटरों में वाइंडिंग सेम रहेगा, तो वाइंडिंग दोनों वैसे का वैसे रहेगा, जैसे का वैसे का वैसे ही। अब सिर्फ इसका कनेक्शन खाली अलग हो जाएगा, उसके लिए इसका नाम बदल गया, अब ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। हम लिख देते हैं एस ई पी आर ए डी एक्साइटेड डीसी मोटर, ये जो क्वाइल है वो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का है। लेकिन अब देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर मतलब इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो एक्साइटमेंट है इसका जो पावर मिलेगा सेपरेटली मिलेगा, अलग अलग मिलेगा दोनों क्वाइल को, इसके दोनों क्वाइल में जो पावर आएगा वो अलग अलग जगह से आएगा बैटरी, लेकिन गाड़ी में तो बैटरी एक ही लगा रहता है, अलग अलग लगा नहीं रहता है, तो कंट्रोलर में ऐसा फंक्शन दिया जाता है कि इसको पावर अलग दिया जाए और इसको पावर अलग दिया जाए, कंट्रोलर का फंक्शन हुआ, तो कंट्रोलर भी उस टाइप का होना चाहिए। तो इस सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को चलाने के लिए जो कंट्रोलर रहता है वो सेपेक्स कंट्रोलर रहता है, उस मोटर में सेपेक्स, उस कंट्रोलर में सेपेक्स लिखा होना चाहिए, या तो वो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर होना ही चाहिए, लिखा नहीं है भी तो स्टिकर नहीं है तो भी, तभी ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको और दूसरे कंट्रोलरों से कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि सीरीज मोटर का कंट्रोलर है या शंट मोटर का कंट्रोलर है तो आप उससे नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कंट्रोलर आता है 1244, समझ गए, 1243, ये सारे कंट्रोलर है इसके लिए आती है, समझ गए, इससे पेक्स के लिए, और भी एक दो है मेरे दिमाग में नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो इस तरह की कंट्रोलरों में क्या होता है, आपको इस तरह का रहेगा डायग्राम, इस तरह का आउटपुट रहेगा, यहां पे दो यहां पे तीन, अब यहां पे दो यहां पे तीन का मतलब इसमें हो जाएगा S1, इसमें S1 नहीं लिखा रहेगा, इसमें F1 लिखा रहेगा, F2 लिखा रहेगा, इसमें B- लिखा रहेगा, इसमें M- लिखा रहेगा, इसमें B+ लिखा रहेगा, ऐसे रहता है। अब इसको कनेक्ट करने के बाद, तो ये आपको पहले कनेक्शन बताया था, ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा, S1 को F2 में कनेक्ट कर देंगे और S1 को F1 में, S2 को F2 में कनेक्ट कर देंगे। फील्ड और ये F लिखा है यहाँ, S लिखा है, दोनों का मतलब सेम है, फील्ड F का मतलब फील्ड, S का मतलब स्टेटर, फील्ड और स्टेटर दोनों का शब्द आउटपुट मतलब सेम ही होता है। अभी A1 को A1 को आपको M- में कनेक्ट कर देंगे, सर A2 को M- में कनेक्ट कर देते हैं, और B1 को A1 को आपको B+ में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये कनेक्ट करने के बाद ये चलना शुरू कर देगा। अब बताता हूँ आपको, ये मिटा लेता हूँ दोस्तों, मैं एक डायग्राम फिर से बनाता हूँ, वो डायग्राम में आपको समझ में नहीं आता है इसलिए मैं आपको अलग से एक डायग्राम बनाता हूँ। ये देखिए फील्ड बाइंडिंग है, ये फील्ड निकलेगा, फील्ड फील्ड एक दूसरे से सीरीज रहेगा, ध्यान दीजिएगा, आर्मेचर से ये सीरीज नहीं होगा, ये A1 हो गया, नहीं ये फील्ड का होगा S1 S2, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। अब होगा आर्मेचर, आर्मेचर में कितने कार्बन ब्रश रहते हैं, ध्यान दीजिए आर्मेचर में कार्बन ब्रश रहते हैं, पहले बात तो याद रखिएगा, रहते हैं ना कार्बन ब्रश, आर्मेचर में कार्बन ब्रश रहते हैं, आर्मेचर में कार्बन ब्रश रहता है, उसमें चार कार्बन ब्रश रहता है, एक दो तीन चार, इसको लिख देता हूं मैं, ये है फोर पोल मोटर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर पोल मोटर, ठीक है, ये फोर पोल मोटर है। अब देखिए आर्मेचर का भी कनेक्शन होता है, आर्मेचर का ना, सॉरी ये कार्बन ब्रश का, यहाँ पे बताता हूँ, C A R B O N कार्बन ब्रश,
ये कार्बन ब्रश का जो कनेक्शन होता है वो बैक टू बैक होता है, यहाँ वाले कार्बन ब्रश का यहाँ से कनेक्शन रहेगा, यहाँ वाले कार्बन ब्रश का यहाँ से कनेक्शन रहेगा, दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो गया। समझ गए, ये कार्बन ब्रश का यहाँ से, ये कार्बन ब्रश का यहाँ से, ये कार्बन ब्रश का यहाँ से, दोनों आमने सामने वाले का कनेक्टेड रहेगा। अब दोनों का पावर निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा और एक ये देखिए यहाँ से निकला, यहाँ से निकाल सकते हैं, ये वाला जो है ना यहाँ से निकाल सकते हैं आप, यहाँ से निकाल लेते हैं, कहीं से निकाल ले, दोनों जुड़ा हुआ, ये देखिए हो जाएगा ए वन आर्मेचर, कार्बन ब्रश वाला जो होता है ए वन ए टू होता है, समझिए। अभी देखिए ये भी समझिए क्वाइल ही, अंदर क्वाइल लगा है पूरे में, इस सब में ना क्वाइल लगा हुआ, समझिए ये सारे क्वाइल है। अभी ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वाइल है फील्ड वाला क्वाइल है, ये फील्ड वाला क्वाइल है, देखिए इसमें आर्मेचर वाले क्वाइल में कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं जुड़ नहीं रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्मेचर, ए आर एम ए टी यू आर ई आर्मेचर, देखिएगा ये आर्मेचर का कोई भी वायर इसमें नहीं जुड़ रहा, फील्ड में नहीं जुड़ रहा है, और ये फील्ड का कोई भी वायर देखिए कहीं से भी आपको आर्मेचर में नहीं लग रहा, तो दोनों अलग अलग है। अब देखिएगा एक चीज आपको समझाता हूँ, कभी भी पावर आएगा ना बैटरी से या कंट्रोलर से या किसी भी चीज से, तो आपको जब तक प्लस से उठ के माइनस में वायर नहीं जाएगा, मान लीजिए कि ये बैटरी है, मान लेते हैं बैटरी है, ये प्लस से उठ के बीच में मान लेते हैं बल्ब लगा दिया, ये बल्ब है, ये माइनस में बल्ब नहीं जुटेगा तब तक आपको ये बैटरी नहीं खाएगा और बल्ब नहीं काम करेगा, बैटरी बल्ब नहीं जलेगा। यदि हमने इसको जोड़ दिया, जब तक इसका सर्किट पूरा नहीं होगा दोनों तरफ प्लस से माइनस का, तब तक बीच का लोड काम नहीं करेगा, समझ गए ये चीज। अब देखिए यहाँ पे बता दो, अभी सपोज माने कंट्रोलर का एफ वन यहाँ पे लगा दिया, समझ गए, यहाँ पे एफ वन लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया ए वन, यहाँ पे एम माइनस लगा दिया, अब क्या होगा, कंट्रोलर के अंदर भी एफ वन और एम माइनस से कोई कनेक्शन नहीं होता है, समझ गए, एफ वन और एम माइनस एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहता है। तो होगा क्या, ये प्लस मान लीजिए यहां से आ रहा है तो माइनस कंट्रोलर में यहां से आ रहा है, तो ये जो माइनस गया इसके थ्रू गया फील्ड में, आर्मेचर से कहीं कनेक्टेड नहीं है, तो ये मोटर नहीं चलेगा क्योंकि कनेक्शन तो बना, जैसे कि लूप कनेक्शन बनना चाहिए प्लस से माइनस में, ये तो हो नहीं रहा, हम माइनस डाल रहे हैं यहाँ फील्ड में और प्लस डाल रहे हैं यहाँ पे आर्मेचर में, तो चलेगा नहीं और शॉर्ट सर्किट भी नहीं क्योंकि कहीं कनेक्टेड नहीं है। यही वाली चीज आपको बताया था, एफ वन से एम माइनस में आपने कनेक्ट कर दिया, F1 को M- में कनेक्ट कर दिया और M- को F1 में कनेक्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, या फिर F2 को आपने B+ में कनेक्ट कर दिया और B+ को F2 में कनेक्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मोटर की साइड की बात बोल रहा हूँ, ऐसे समझ गए, ये ना तो शॉर्ट होगा ना चलेगा क्योंकि लूप ही क्लोज नहीं हुआ, प्लस टू माइनस जो लूप है ना क्लोज होना चाहिए कहीं ना कहीं, चाहे बीच में बाइंडिंग लगाओ, चाहे रेजिस्टेंस लगाओ, चाहे बल्ब लगाओ, चाहे फैन लगाओ, कुछ भी लगाओ तो एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद ही, इसमें क्या ये बाइंडिंग अलग है, ये बाइंडिंग अलग है, दोनों बाइंडिंग अलग है, तो जब तक दोनों में एसी बाइंडिंग में दोनों पावर चाहिए प्लस माइनस, तो ये दोनों अंदर से कनेक्टेड है, या तो प्लस माइनस एसी बाइंडिंग में चाहिए तभी जाके ये चलेगा, ये प्लस माइनस एसी में देंगे तो ये बाइंडिंग इसमें से इसमें रिटर्न होगा तो ये बाइंडिंग काम करने लगेगा, समझ गए, तो ये वैसे नहीं चलेगा दोनों में अलग अलग पावर देंगे। तो अब बताते हैं कि उल्टा सीधा चलने का रीजन क्या होता है, देखिएगा मान लेते हैं कि ये एक फील्ड है F1, एक S1, S2, ठीक है, अब हम दुख देते हैं आर्मेचर भी, अंदर से आर्मेचर भी, A1, A2, अभी सपोज मैंने प्लस यहां से दे रहे, माइनस यहां दे रहे, प्लस यहां से दे रहे, माइनस यहां से दे रहे, तो क्या होगा, कभी भी ये क्या मोटर क्या करता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मतलब आप इसमें जो क्वाइल लगा है, इस ये जो फील्ड का क्वाइल है इसमें पावर देंगे प्लस माइनस तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो क्या मान लीजिए यहाँ प्लस दिए यहाँ माइनस दिए तो क्या होगा, पावर कहाँ से चलेगा, प्लस से लेकर माइनस की ओर चलता है, कभी भी पावर बैटरी का सप्लाई या कोई भी सप्लाई ना प्लस से माइनस की ओर जाता है, समझ गए, तो ये बैटरी का सप्लाई प्लस से माइनस की ओर जाएगा तो फील्ड जनरेट होगा उल्टा हो जाएगा, माइनस से प्लस की ओर होगा, तो क्या करेगा इसका जो इसमें जो फील्ड जनरेट होगा ये ऐसे घुमाना शुरू करेगा, है ना, ये ऐसे घुमाएगा और ये जो ये आपका आर्मेचर है, आर्मेचर में प्लस माइनस दिया हुआ है,
ये आर्मेचर में प्लस माइनस दिया, तो ये मान लिया कि ये बाइंडिंग इधर से हुआ है ऐसे, तो ये क्या करेगा ऐसे नहीं होगा, ये भी ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा तो रोटर ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा अपनी साइड, अब एंटी क्लॉक वाइज। अभी सपोज मानिए इसको हम पलट देते हैं, माइनस को प्लस दे देते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ बाइंडिंग लेकिन ऐसे ही है, अब क्या होगा प्लस यहाँ से आया प्लस यहाँ से आया, अब देखिए क्लॉक वाइज सप्लाई आ रहा है, तो ये क्या होगा मोटर एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा, समझ गए, ऐसे होता है क्या रिलेटिव मोशन होता है, आपको सामने वाले पोल से जितने पोल हैं आपको फील्ड से उसके रिलेटिव मोशन में आर्मेचर चलेगा, आपने प्लस माइनस चेंज किया इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, आपने इसका प्लस माइनस चेंज किया इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, आपको घूमने की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी प्लस माइनस चेंज करने से। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी करिएगा, और हमें सजेशन दीजिएगा कि क्या गलत है क्या सही है और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, तो आपको मैं बेहतर तरीके से अगली बार समझा पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।